हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूं श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटी का चैप्टर फर्स्ट का हमारा फॉर द पार्ट, जो कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका की दोनों कंट्रीज की स्टोरी देखी और उससे हमें क्या मिला या क्या हमें कह सकते हैं कॉन्क्लूजन उससे क्या निकला। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। बोथ आर डेमोक्रेसीज, दोनों डेमोक्रेसीज के बेस पे थी, येट दे डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। लेकिन दोनों ने जो पावर शेयरिंग का क्वेश्चन था या पावर शेयरिंग की बात थी, उसको अलग अलग तरीके से लिया। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन्स। बेल्जियम के लीडर्स ने क्या सोचा कि जो यूनिटी है कंट्री की, वो सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड है कि हम रिस्पेक्ट करें फीलिंग्स और इंटरेस्ट को दोनों कम्युनिटीज के, दोनों रीजन्स के जो फीलिंग्स हैं उन्हें रिस्पेक्ट हमें करना चाहिए, और तभी हमारी जो कंट्री है वो यूनिटी के साथ चल सकेगी। सच रियलाइजेशन रिजल्ट इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर द शेयरिंग पावर। और ऐसी जो उन्होंने रियलाइजेशन किया था उसके कारण वो म्यूचुअली एक्सेप्ट कर पाए वो अरेंजमेंट्स को जो उन्होंने पावर शेयरिंग के लिए की थी। श्रीलंका शोज अस अ कंट्रास्टिंग एग्जांपल, लेकिन श्रीलंका बिल्कुल और श्रीलंका की जो एग्जाम्पल था, जिससे हमें ये पता चला कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, अगर वो फोर्स करती है, डोमिनेंट करती है अदर कम्युनिटीज को और पावर शेयरिंग के लिए रिफ्यूज करती है, तो इसके कारण यूनिटी जो है कंट्री की वो अफेक्ट हो सकती है। अब हमें यहाँ जो बताइए एक और बात क्या है कि पावर शेयरिंग जो है वो किस तरह से किया गया, ये क्यों डिजायरेबल है या अच्छा क्यों है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। Thus, two different sets of region can be given in favor of power sharing. दो different sets दिए गए हैं वजह के कि क्या वजह है, क्यों हमने power sharing करना चाहिए। तो firstly, power sharing एक अच्छी चीज है because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. क्योंकि power sharing से क्या होगा कि जो conflict की possibility है वो reduce हो जाएगी या कम हो जाएगी दो groups के बीच में। Since social conflict often leads to violence and political instability. क्योंकि अगर social conflict होते हैं तो उसके कारण वॉयलेंस, मतलब कह सकते हैं कि लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है। पावर शेयरिंग जो है ये अच्छा इसलिए है ताकि इंश्योर करता है ये स्टेबिलिटी को पॉलिटिकल ऑर्डर के। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स मे लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ओपिनियन इन द शॉर्ट रन। मतलब अगर आप ऐसे सोचो कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी के मेंबर्स ज़्यादा हैं या पावर जिसके पास ज़्यादा है, ऐसी कम्युनिटी को अगर आप सारी चीज़ दे देते हैं या पूरा का पूरा सब कुछ संभालने के लिए दे देते हैं, पूरा कारभार जो है वो संभालने को देते हैं, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन है, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए। अगर लॉन्ग रन की बात करते हैं तो ये यूनिटी जो है नेशन की, उसको अफेक्ट कर सकता है। हम देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक फाइन जर्मन इंजीनियरिंग का एक पिक्चर या कार्टून दिया हुआ है आपके लेफ्ट साइड में, जो बता रहा है कि प्रॉब्लम्स किस तरह से चल रही है जर्मनी की ग्रैंड कोएलिशन गवर्नमेंट के थ्रू। मतलब यहाँ पर यह था कि जिसमें दो पार्टीज थी कंट्री की, नेमली एक क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये दो पार्टीज जो है हिस्टोरिकली एक दूसरे के राइवल्स थे, मतलब अपोजर्स थे, और दे हैव टू फॉर्म अ कोएलिशन गवर्नमेंट। लेकिन उन दोनों को मिलकर एक कोएलिशन गवर्नमेंट या एक गवर्नमेंट बनानी थी, बिकॉज दोनों भी जो थे उनमें से, उनके पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी सीट्स की। मतलब दोनों को बराबर की सीट्स आई थी ऐसा कह सकते हैं, या उनके जो मेंबर्स थे वो बराबर के थे, तो उन, मतलब कोई एक नहीं ले सकता था, या हम कह सकते हैं कि मेजॉरिटी सीट्स किसके पास थी ऐसा नहीं था। तो इसीलिए उन्हें कोएलिशन गवर्नमेंट बनानी थी, और उन्होंने एक डाइवर्जेंट पोजीशन ली सेवरल पॉलिसीज मैटर के ऊपर, और स्टिल रन कर रहे हैं गवर्नमेंट को जॉइंटली, मतलब एक साथ। इसलिए हमें ये जो पिक्चर बताई है जिसमें एक गाड़ी बताई है और उसमें जो ड्राइविंग या फिर हमारा जो स्टेयरिंग है वो दोनों साइड बताया गया है, मतलब दोनों गवर्नमेंट्स के लिए बताया गया है कि दोनों मिलकर ही चलाएंगे, दोनों मिलकर जिस साइड में स्टेयरिंग को कह सकते हैं टर्न करेंगे उसी साइड में गाड़ी मूव करेगी। Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings doom to majority as well. जो majority की बात है, ये सिर्फ oppressive जो होता है minority को ही नहीं affect करता, but कभी कभी ये majority को भी affect करता है या खत्म कर सकता है। There is a second deeper reason why power sharing is good. और दूसरा reason ये है power sharing क्यों अच्छा है इसलिए, वो है democracies के लिए। पावर शेयरिंग ये बहुत ही स्पिरिट, मतलब इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व करता है शेयरिंग पावर को उन लोगों के साथ जो अफेक्ट करते हैं बाय इट्स एग्जिस्टेंस, बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लीव विद इट्स इफेक्ट्स। मतलब जो उसको यूज में ला रहे हैं वो भी, और जो उसके इफेक्ट से
मतलब जो लाइफ अपनी जी रहे हैं वो लोगों को भी इफेक्ट होता है, और डेमोक्रेटिक रूल जो है उसके अंदर पावर शेयरिंग में ये चीज आती है। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्ट ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। पीपल्स को पूरा हक है, पूरा राइट है कि वो कंसल्ट करें कि किस तरह से वो गवर्न किए जा रहे हैं। लेगिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टीशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। और लेगिटिमेट गवर्नमेंट उसे कहा जाता है जहाँ पर सिटीजन्स जो हैं खुद पार्टिसिपेशन अपना देते हैं और एक्वायर करते हैं स्टेक कोई अपनी जगह को उस सिस्टम में। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन। पहले सेट ऑफ रीजन्स अगर देखें, प्रूडेंशियल एंड सेकेंड मॉरल। वाइल प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग अवर बेटर आउटकम्स। प्रूडेंशियल रीजन्स क्या है कि प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस करते हैं कि पावर शेयरिंग जो है वो बेटर आउटकम देता है, और मॉरल रीजन एम्फेसिस करते हैं द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज एज वैल्यूएबल, और बताते हैं कि पावर शेयरिंग कितना वैल्यूएबल है। आगे बढ़ने से पहले प्रूडेंशियल का मतलब यहाँ दिया हमें, बेस्ड ऑन द प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। मतलब पूरे के पूरे कैलकुलेशन को ध्यान में रखकर, गेन और लॉसेस का जो कैलकुलेशन है उसे ध्यान में रखकर, प्रूडेंशियल डिसीजंस आर यूजुअली कंट्रास्टेड विद दोज डिसीजन बेस्ड प्योरली ऑन मॉरल कंसिडरेशन। मॉरल कंसिडरेशन की जो डिसीजंस है उसी के ऊपर पूरी तरह से या यूजुअली कंट्रास्ट होता है प्रूडेंशियल डिसीजन। तो यहाँ तक दोस्तों हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। फर्दर जो है हमारा कलीज डिलेमा, ये हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो यहाँ तक समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।